जर्मन में बोल रहे हैं, ठीक है, जब ये जर्मन में बोलेंगे मैं उनको बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है, ठीक है, तो ये भी सब सुन लेंगे इन्होंने क्या बोला, तो मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या बोला, ठीक है सर। Ich mit meinen Grußwort anfangen möchte ich im Namen unserer Gruppe allen ganz herzlich für den tollen Empfang danken. So, पहले कुछ भी बोलने से पहले ये आप सबका थैंक यू करना चाह रहे हैं, सबको धन्यवाद बोल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा इनका वेलकम किया, तो मतलब ये सारे यू हो गए, मतलब ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। वेरी गुड। Wir alle freuen uns, dass unser Pfarrer Pater Lukun uns sein Land, seine Heimat, sein Dorf zeigt und wir hier heute hier sein dürfen. ये बहुत खुश हैं पूरे, ये जितना भी पूरा ग्रुप है 33 लोग जो लोग हैं, बहुत खुश हैं कि फादर राजेश लुकून इनको यहाँ पे अपने देश में लेके आए, भारत दिखाया, अपना देश दिखाया, अपना गांव दिखाया, अपना शहर दिखाया, और जैसा इनको यहाँ पर प्यार मिला है, मतलब टोटली मतलब ये पागल हुए हुए। In unserer Pfarrei hat Pater Lukun nach kurzer Zeit die Herzen der Menschen erreicht und jung und alt freuen sich, dass unser Pfarrer ist. जब से फादर लुकून, फादर राजेश लुकून इनके पैरिश में है, थोड़े से ही टाइम में, थोड़ा सा ही टाइम उनको हुआ था, मतलब ये ऐसे हो गए, इतने खुश हुए कि एक ऐसा इंसान इनके पास आया, छोटे बड़े जो बूढ़ा है वो भी, छोटा है वो भी, सब इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वहाँ पे, बहुत पसंद करते हैं और ये चाह रहे हैं कि ये वहीं पे ही रहें। इंडियन इज एन एंड्रेस लैंड एज डॉचलैंड und die vielen Menschen auf den Straßen sind alle sehr freundlich auch hier im Ort. Herzlichen Dank. India, जो अपना कंट्री है ये जर्मनी से एकदम अलग है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, बट यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे 1.3 billion लोग हैं, बट दे आर वेरी फ्रेंडली, सब बहुत फ्रेंडली है, जब भी ये किसी के पास फोटो खींचने जाते हैं, जो भी कहता है फोटो खींचने, मतलब हर कोई इनका ऐसे करता है जैसे ये बहुत ज्यादा कहीं से वीआईपी, और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आई मीन इंडिया, वी नीड टू प्राउड टू बी एन इंडियन, नो? सो इंडिया, unser guter und freundlicher Reiseleiter Kolaf schon viel über Land und Leute, Kultur und Religion erzählt. बहन के साथ 6 फरवरी से साथ में चल रहा हूँ, और मेरा काम जैसे मैं काम करता हूँ वैसे मैं काम कर रहा हूँ, इनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम, मैंने इनको इंडिया के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, लोगों के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई, सो दे आर वेरी हैप्पी विद मी, तो ये इनको अच्छा लगा मेरे साथ। थैंक यू। Schön, dass wir hier so freundlich empfangen wurden und dass Sie heute und morgen ein wenig Zeit mit uns verbringen. यहाँ पे आके उनको इतना अच्छा लगा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही दिन हैं, आज और कल, आज यहाँ पे आप सबसे मिले, कल इनकी एक प्रेयर है चर्च के अंदर, सो बहुत कम टाइम है, बट इतना अच्छा इनको इतने कम टाइम में इतना प्यार मिला उसके लिए, थैंक यू। Wir danken Ihnen ganz herzlich für den Empfang und wir hoffen natürlich, dass Pater Lukun noch einige Jahre in Weichenfeld Pfarrer bleibt und wir Ihre Pfarrei dann etwas unterstützen können. जो आप लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, ऐसा वेलकम किया, ऐसे इनको आज तक कहीं नहीं मिला, सो उसके लिए आपको ये सब बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे हैं। इतने सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, आई मीन बहुत सारे फादर्स के साथ काम किया, बहुत सारे वो अपने जगह लेके जाते हैं, दिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट जो आज लिटरली इनका, तो इन्होंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने खुद फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जो आज मुझे यहाँ पे देखने को मिला, थैंक यू सो मच। और ये चाह रहे हैं फादर राजेश लुकून, क्योंकि डिपेंड करता है ये कभी किसी चर्च में, कभी किसी चर्च में, बट ये चाह रहे हैं कि और थोड़ा टाइम ये इनकी चर्च में गुजारे, इनकी पैरिश में गुजारे।
Weil er Pfarrer in unserer Pfarrei ist, wird auch in unserer Kirche mal etwas gelacht, wenn er einen Witz erzählt. So, normally, जब से ये वहाँ पर फादर हैं इनके पैरिश के अंदर, ये बोल रहे हैं कि मैं हम लोगों ने जब से इतना हंस रहे हैं, मतलब ये इनका हर बात में एक ना कोई जोक होता है, एक हर चीज को इनका जो बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है फादर राजेश लोगों का, तो ये इनको हमेशा वहां पे रहना चाह रहे हैं। सो एक और बात, इन्होंने अपना जो बोलना था कहा, बट वेरी थैंकफुल टू यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा करा। और मैं और फादर राजेश हम दोनों ने लैंग्वेज साथ में सीखी है, जर्मन में हम दोनों साथ में थे 2008 के अंदर, हम दोनों साथ में लैंग्वेज सीखी। थैंक यू सर, गौरव अच्छा लगा ना, ऐसे अच्छा बोलते तो अच्छा लगता है लेकिन भूख भी लग रहा है ना। तो अभी मैं हमारे मिले समस्त जुहार जय जीसु। आज आमर मेहमान जर्मन रु आ समस्त गेस्ट समस्त स्वागत तांकु जी नहीं करी आइथिबे राजेश लुगन तांको सकाछे गुटे बर्दार ताली। राजेश लुगन आमर जर्मन रु आ समस्त गेस्ट आखपाख अंचल रु आ समस्त ভাই বন্ধু মা বাপা সমস্ত স্বাগত জনাচ্ছি, অভিনন্দন জনাচ্ছি। গৌরব জি আইয়া সো সবকো মে থোড়া হিন্দি মে বলুগা কি ইয়ে দিস বিলংস টু রাজস্থান আই থিঙ্ক। So he belongs to Rajasthan, Rajasthan से आए हुए मेहमान है, ये भी हमारे मेहमान है, वो भी हमारे मेहमान है। तो राजेश जी एंड गौरव जी एंड जर्मन से आए सब मेहमान, आप लोग सभी को मैं स्वागत जानता हूँ, स्वागत बोलता हूँ, प्लस अभिनंदन जुड़ा बोलता हूँ। आज खुशी का दिन है, हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, और ये खुशी शायद बहुत दिन तक हमारे बीच में रहेगा। हम तो इतना खुशी हैं कि राजेश जी नहीं होने से शायद जर्मन जो भी गेस्ट हैं या नहीं होते, गेस्ट हमारे लिए भगवान होते, गेस्ट हमारे लिए भगवान होते। सर er is so the alles in their froh das hier heute hier gekommen sind und er is sehr dankbar von far lagoon, weil er hat das gesagt, wenn far lagoon hier nicht gewesen wäre, dann wären sie alle hier nicht gewesen. So er is sehr dankbar von far rajesh lagoon und er hat das auch gesagt, also ich komme auch aus rajasthan, so this is auch ein guest und also wir betrachten, wie ich am anfang schon gesagt habe, also wir betrachten die inder, also unsere gäste wie die götter, also atithi devo bhava. So deswegen, also die alle sind sehr froh und vielleicht sie werden das nicht für ein paar Monate oder für ein paar Jahre werden sie nicht vergessen. Also so viele Leute aus Deutschland, sie waren in Indien oder auf diesem Dorf und die sind so froh, das kann man schon sehen. Seit langem sie sind hier. Wenn sie nicht froh gewesen wären, dann vielleicht hätten wir nicht so viel sehen können. Ne? So sie sind seit langem hier. Thank you so much. ভারত অনেক ধর্ম আছে, জাতি আছে, অনেক ভাষা আছে, ডিফরেন্সেস ইন ইউনিটি, ইয়ে হচ্ছে ভারতের ইউনিকনেস বা ইয়ে হচ্ছে বিভিন্নতার একতা, ভারত হচ্ছে ইয়ে পরিচয়। আমি সমস্তে এটি ওড়িশাবাসী হলে বি ওড়িশার বিভিন্ন ধর্মর বিভিন্ন জাতির লোক আছে, তো ভারতের যা নৈতিকতা রয়েছে সেই নৈতিকতা ওড়িশার বি রয়েছে। আমি আজ বহুত খুশি কথা হচ্ছে, এটি গোটে জিনিস কে চাইবি আপনার এটি আজ খুশি মহলে, এটি ইলেকশন কথা মু কবি না, কিন্তু আমি যেহেতু এটি সমস্ত আদিবাসী বসিছি, মেজরিটি আদিবাসী বসিছি, মু কবি সমস্ত আদিবাসী কবি ভালো কথা। আগামী দিনে ইলেকশন অছি, আমি সমস্ত এই করছু, আদিবাসী সমস্ত এই করছু, এ একতা বচে রাখবা,
এবং আগামী দিনে আমার পুনি জয় যুক্ত হব মু আশা করি আপনারা তালি মারি কি আপনি সমর্থন করবেন ধন্যবাদ Last and last stance.